दोस्तों आज मैं आपको बीडी इंटेलिसिस की बीडी ट्रिपल लाइन बॉन्डिंग प्लस लेजर मशीन के बारे में बताऊंगा। ये मशीन हम लोगों ने कुछ महीने पहले रिलीज किया था और आज इसका सेकंड वर्जन हम लोगों ने लॉन्च किया है जो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ इनबिल्ट है। तो पहले मैं आपको इसके बॉन्डिंग साइड, जो बॉन्डिंग और लेजर दोनों इसमें आप काम कर सकते हैं, बॉन्डिंग साइड के बारे में आपको बताता हूँ। इस मशीन में हम लोगों ने अपने फेमस मॉडल VD480PS उसको बॉन्डिंग में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं हमारा ऑल इन वन टच स्क्रीन है, दो कैमरा है इसके अंदर, राइट कैमरा लेफ्ट कैमरा। इसके फुटेज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट स्क्रीन में राइट कैमरा का दिखाएगा, लेफ्ट स्क्रीन में आपको लेफ्ट कैमरा का दिखाएगा। हेड भी हम लोगों ने बिल्कुल टाइटेनियम का 68mm हेड जो सिंगल कॉप को बहुत ही अच्छी तरह से पंचिंग कर सकता है, ठीक है, वन सिंगल शॉट में वो हेड यूज किया है, ठीक है। और कैमरा लेंस भी आप जो हमारी 480PS मॉडल है बिल्कुल सेम उसी मशीन को हम लोगों ने इसमें इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। कोई भी आप देख सकते हैं मेटल पार्ट्स या बॉडी में कुछ भी कमी नहीं किया हम लोगों ने इस मशीन का। एक बार आप ऐसे ग्लैंस में मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम फंक्शन है बॉन्डिंग से हीटिंग, ठीक है, कूलिंग, और ये ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम भी इंप्लीमेंट है यहाँ पर, और यहाँ से आप क्रिस्टल लाइट की लाइट को भी इंटेंसिटी को वैरी कर सकते हैं। तो ये तो आप बॉन्डिंग मशीन है, 480PS को पूरी तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अब हम लोग इसके लेजर साइड के तरफ चलते हैं। ये इसका लेजर साइड है। आप पहले और अभी के मशीन में आपको जो डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए हम लोगों ने एक्स मोटर, जो पहले मैनुअल था अब ये बिल्कुल मोटराइज है, एक्स मोटर और वाई मोटर। जेड में तो मोटर पहले के वर्जन में भी था, अभी हम लोगों ने ये दो मोटर एक्स्ट्रा ऐड किया, ये फुल्ली ऑटोमेटिक बन चुका है, ठीक है। ये मैनुअल नहीं है, ये फुल ऑटोमेटिक है, एक्स वाई जेड। अब इसके स्विच बॉक्स को आप देखिए, काफी स्लिम वर्जन बनाया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें वर्क इंटरफेस पे आप जाएंगे, ठीक है, और ये जॉयस्टिक, इसके मैं आपको तीन स्पीड है यहाँ पे, फास्ट मीडियम स्लो, तीनों स्पीड में मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको फास्ट में करके दिखाता हूँ, ये देखिए फास्ट में स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसका मोशन, ठीक है। अब मैं आपको इसको मीडियम में दिखाता हूँ, ये रहा मीडियम, इसको मैं स्लो में करके दिखाता हूँ, इससे फोकस कर सकते हैं, इसे जेड के लिए है। इसके ये जो नॉब है इससे जेड मोटर की स्पीड को आप वेरी कर सकते हो, ये जो नॉब है इससे एक्स एंड वाई को आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये सबसे स्लो में है, ये मीडियम में है, ठीक है, और फास्ट में ये है, ये तो वाई में, एक्स में हो गया। अब मैं आपको वाई में दिखाता हूँ, ये वाई में जाइए, ठीक है, इसको फोकस कर लेता हूँ मैं, और ये मीडियम स्पीड पर दिखाता हूँ, ये मीडियम स्पीड है, सबसे स्लो स्पीड पर दिखाता हूँ, ये सबसे स्लो स्पीड है, ठीक है। बहुत ही स्मूथ ट्रेवल है, पिक्सल टू पिक्सल, ट्रैक टू ट्रैक आप कर सकते हो, जैसे हमारा जो बड़ा मॉडल है VD512 ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चीज को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, बहुत ही लेस स्पेस में, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी। अब मैं आपको इसके लेजर के बारे में दिखाता हूँ। जो पहले के मशीन में था उसमें एक फुट पैडल हुआ करता था, क्योंकि वो मैनुअल था, हमारा दोनों हाथ इंगेज होता था, इसलिए हम लोगों ने उसको पैर से लेजर को ऑपरेट करना उस मशीन में दिया था प्रीवियस वर्जन में। इस वर्जन में ये फुल्ली मोटराइज है, यहाँ पर आपके पास एक बटन है, आप यहाँ से लेजर को ऑन करिए, लेजर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हो। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, इसको लेयर को लेकर, हाई फ्रिक्वेंसी लेजर है, प्रिसाइज कटिंग है, कोई स्प्रेडिंग नहीं है। और इसमें खास बात यह है कि इस मशीन से आप ना केवल सिर्फ टीवी बल्कि आप लैपटॉप और सेलफोन के स्क्रीन को भी आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है। मोबाइल के स्क्रीन में काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है आईफोन और सैमसंग के स्क्रीन को करने के लिए, इसमें ये ऑप्शन है, हाई फ्रीक्वेंसी है ये, और कोई स्प्रेडिंग नहीं है, ट्रैक टू ट्रैक। मैं आपके पास सारे सेट में दिखाता हूँ, ये देखिए दूसरे सेट में आप देखिए, ठीक है, और मैं आपको और ट्रेवल करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन कटिंग, कोई स्प्रेडिंग नहीं, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सेट में भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। इस मशीन को पूरी तरह से मोटराइज वर्जन बनाया है और ये लेजर मशीन और VD512 में अब कुछ खास अंतर नहीं रह गया, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं सिर्फ ये डिसएडवांटेज था प्रीवियस मॉडल में कि इसमें मोटर नहीं लगा हुआ था, अब ये मोटराइज है, हाई फ्रीक्वेंसी है, स्विच बॉक्स स्लिम है, ठीक है, स्पेस कम है, काम वही है। तो आपको इस मशीन के बारे में अगर आपको इसके खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट www.vdlcd.com पर आप विजिट करिए या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे लैंडलाइन नंबर 01143464999 इस पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।